वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने मोहम्मद शमी, जहीर खान जवागल श्रीनाथ को छोड़ा पीछे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। दोस्तों एक समय पर विश्व कप 2023 के लिए भारतीय प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बना पा रहे मोहम्मद शमी ने मौका मिलते ही लगातार 3 मैचों में धमाकेदार प्रदर्शन पर वनडे विश्व कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम। दोस्तों आपको बता दें कि शमी विश्व कप टूर्नामेंट के इतिहास में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की लिस्ट में पूर्व गेंदबाज जहीर खान और जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ पहले नंबर पर पहुंच गए हैं। वर्ल्ड कप में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले टॉप 5 मोहम्मद शमी 45 विकेट, जवागल श्रीनाथ 44 विकेट, जहीर खान 44 विकेट, जसप्रीत बुमराह 33 विकेट, अनिल कुंबले 31 विकेट। दोस्तों 19 अक्टूबर को भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मैच के दौरान हार्दिक पांड्या के चोटिल होने के वजह से शमी को न्यूजीलैंड के खिलाफ विश्व कप 2023 में अपना पहला मैच खेलने का मौका मिला और धर्मशाला के मैदान पर 22 अक्टूबर को खेले गए इस मैच में भारतीय गेंदबाजी अटैक की अगुवाई करते हुए न्यूजीलैंड के खिलाफ शमी ने 10 ओवर में मात्र 54 रन देकर 5 विकेट हासिल किए और इसके बाद अपने दूसरे मैच में 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड के खिलाफ शमी ने 7 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। वहीं दोस्तों अपने तीसरे मैच में शमी ने श्रीलंका के खिलाफ एक और 5 विकेट हासिल कर विश्व कप इतिहास में भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में पूर्व दिग्गजों जहीर खान और जवागल श्रीनाथ को पीछे छोड़ दिया। इसी के साथ शमी विश्व कप में सर्वाधिक 5 विकेट हॉल लेने वाले भारतीय गेंदबाज बने। दोस्तों वनडे विश्व कप में सर्वाधिक 5 विकेट गेंदबाज मिशेल स्टार्क और मोहम्मद शमी, यह दोनों गेंदबाज 3-3 बार 5 विकेट लिए हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन पाएंगे या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।